अरे टोनी स्टार्क बेटा जल्दी उठ जाया। अरे टोनी सर उठिए ना, देखिए क्या बवाल हो चुका है। अरे भाई क्यों नहीं सोने दे रहे हो, रात भर काम किया है मैंने। अगर आज नहीं उठा टाइम पे तो कभी उठ नहीं पाएगा। अरे जल्दी उठ टोनी, फ्रैंकलिन पागल हो गया है। उठी कसम, अरे हम बेघर हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। वट, अरे कौन बेघर हो रहा है, क्या हो गया भाई, तुम सब मेरे घर पर ही तो रहते हो, मैं कौन सा तुमको बाहर भगा रहा हूँ। अरे तू हमें बाहर नहीं भगा रहा, हमारा घर ही नहीं बचेगा तो तू बाहर कहाँ से भगाएगा। एक मिनट, ये भाई ये क्या चल रहा है, ये इतने सारे बॉम्ब तुमने घर के सामने क्यों लाके रख दिए भाई, तुम पागल हो गए हो क्या। अरे हमने नहीं किया, बाहर जाके देखिए आप पागल हो जाएंगे खुद ही देख करके कि किसने किया है। ऐसा कौन है भाई, किसमें इतनी हिम्मत है, मेरे घर पे इतने खतरनाक न्यूक्लियर लेवल के मिसाइल्स, अरे वो कौन है। आज फाइनली मेरा बदला पूरा होगा। अवेंजर्स तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरा घर उड़ाया था, याद है ना, मैं सो रहा था और कितनी बुरी तरह से मेरे घर को बर्बाद किया था। एक मिनट फ्रैंकलिन, तू शायद भूल गया, हमने तेरा घर उड़ाया था, बदले में तुझे नया घर भी दिया था, और उस घर को भी वो ट्रेन उड़ा के ले गई थी। उसके बाद मैं कभी सुकून से उस टूटे फूटे घर में रह नहीं पाया। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, तो तू हमारे साथ रह ले। नहीं, मुझे अब यहाँ पर तुम्हारा घर भी बर्बाद करना है, देखना चाहता हूं कैसा तुम्हें फील होगा। और तुम्हें पता है तुम्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है, इसलिए पुलिस ने तुम्हारे सर पे भाई 200 करोड़ का इनाम रखा है। आज मैं तुम्हारा घर ब्लास्ट करूंगा, उसके बाद पुलिस में देके आऊंगा। बिल्कुल सही कहा, और उन पैसों से हम अपना घर बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हम अपना घर बनाएंगे और अवेंजर्स घर उजाड़ेंगे। नहीं नहीं फ्रैंकलिन, सुन सुन मेरे भाई, ये क्या कर रहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे फ्रैंकलिन प्लीज ऐसा मत कर। फ्रैंकलिन मार दिया। फाइनली गाइस, अब मेरा बदला पूरा होगा। फ्रैंकलिन, ओह नो, ये सब क्या हो गया दोस्तों, फ्रैंकलिन को समझाइए ना, ये पागल हो गया यार, ये मेरा सब कुछ लूट लेगा मुझसे। अरे जल्दी चलना पड़ेगा, फ्रैंकलिन ने बताया वो क्रिमिनल अवेंजर्स यहीं कहीं है। ए अवेंजर्स क्या हो? फ्रैंकलिन बोल दे, ये सब मजाक है, ये सब झूठ मूठ में, कोई पुलिस नहीं आएगी, मैं पकड़ने नहीं आएगी। मुझे तो लगता है फ्रैंकलिन हमारे साथ मजाक कर रहा है, वो तो अभी पता चल जाएगा। ये लो पुलिस वाले आ भी गए, और पुलिस वाले इनको लेकर भी जाएंगे। अवेंजर्स तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, और अब इसी जुर्म में मैं तुम सभी को जेल पकड़ के लेके जाऊंगा, और फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली को मैं सरकार से 200 करोड़ का इनाम दिलाऊंगा। नहीं ऑफिसर, इस फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली को पकड़िए, इसने मैं बर्बाद कर दिया भाई, अरे हमारा घर तोड़ फोड़ दिया। क्या हो गया, उठी कसम हम बर्बाद हो गए। नहीं हल्के तो बर्गर भी लुटपुट गए, अब क्या ही होगा। बहुत हो गया, बहुत बोल रहे हो, यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है, मैं और नहीं रुकूंगा, चलो चुपचाप जेल चलो। ऑफिसर आप चिंता मत कीजिए, इन सब के साथ मैं भी चलूंगा, जिससे कि भाग ना जाए। बिल्कुल सही कहा बच्चा फ्रैंकलिन, तू अपनी फैमिली के साथ हमारे साथ चल, इनको जेल पहुंचाएंगे और हम तेरे को गिफ्ट दिलाएंगे, और हंस हंस में 200 करोड़ का इनाम भी है। हल्क को चाहे मार दो पर जेल मत लेके जाओ, वहां पर तो हल्क कैसे जिएगा, वो तो हम तुम्हें बताएंगे। ए, जल्दी से इन सबको जेल में डालो, जेल में जेल में। नहीं फ्रैंकलिन, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था भाई, तो हमसे किस बात की सजा ले रहा है भाई। गाइस प्लीज हमारी मदद करो, फ्रैंकलिन को समझाओ, ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर आपको भी लगता है तो प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। गाइस ये टोनी पागल हो गया है, इस टोनी तूने ना जाने कितनी बार मुझे बर्बाद किया है, मैं ये घर से बेघर किया है, एक बार मैंने कर दिया तो तेरे बस की नहीं सब कुछ संभालना। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकी भैया, अब हम बदले में 200 करोड़ से अपना घर बनाएंगे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वो भाई बिल्कुल, वो यहाँ पे भलाई का वो करने दे टोनी, वो तू तो जेल में कुछ दिन बाद बच गई हो, वैसे भी तू क्रिमिनल है। ऐसा क्या कर दिया हमने जो हम इतने बड़े क्रिमिनल हो गए, यहाँ ये क्या हो रहा है। एक मिनट, यहाँ तो कोई जेल नहीं है, तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो। अरे हम तुमको जेल नहीं तुमको यहीं मारने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही कहा, अगर हम तुम्हें जेल में लेके गए तो तुम वैसे ही भाग जाओगे, इसलिए हम बोल देंगे पुलिस से कि एक्सीडेंट हो गया था और तुम सबको लाते समय एक्सीडेंट की वजह से कार ब्लास्ट हो गई और तुम सब मारे गए, और भाई बदले में पैसे मिल जाएंगे पक्का। नहीं प्लीज नहीं ऐसा, अरे बाप रे गाइस कोई बचाओ, प्लीज वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब। ये फ्रैंकलिन तो मार देगा यार, ये फ्रैंकलिन को क्या हो गया है, लगता है गाइस मैं मर गया। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। हैं? एक मिनट ये क्या चल रहा है, क्या उल्लू बनाया अवेंजर्स का, इनको तो सच में लगा था कि हम इन्हें मार ही डालेंगे। व्हाट, ये एक मिनट ये क्या चीज है। अरे तुम्हारे नई घर की खुशखबरी है भाई, और क्या है। व्हाट, ओ भाई साहब ये क्या, फ्रैंकलिन तू तो भाई गिफ्ट देने में मेरा भी उत्साह निकला भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। ओ माय गॉड, अरे ये तो घर बिल्कुल तेरे घर के बराबर में। बिल्कुल, तुम लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने सोचा मैं भी क्यों ना तुम्हें घुमा के धार गिफ्ट दे दूं, हल्का तो दिल ही बाहर आ गया था, ऐसा सरप्राइज कौन देता है भाई। वाह यार फ्रैंकलिन, वैसे भी मैं सोच ही रहा था यार, स्टॉक मेंशन में रहते रहते बोर हो गया था, लेकिन भाई
ये जाल क्यों लगाए हैं तूने? कहीं ऐसा तो नहीं है तू मुझे मेरे घर में जाने नहीं देगा? अरे ऐसा नहीं है, असल में तुझे याद है पिछली बार भाई मेरे घर को एक बुलेट ट्रेन उड़ा के ले गई थी, तो इसलिए मैंने उसका सेफ्टी मेजरमेंट रखा है। ये जो जाल है भाई माना गया है कोई बुलेट ट्रेन हो या फिर प्लेन इस जाल को पार नहीं कर सकता, इसलिए हमारे घर सेफ रहेंगे। वाह फ्रैंकलिन भाई मैं तुझे किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, तूने तो लिटरली में भाई मुझे शॉक ही कर दिया। अरे तू एक काम कर टोनी, जाके जल्दी से घर घूम, अवेंजर्स को भी घुमा भाई, कम से कम 6-7 फ्लोर है तेरे घर में, एक एक अवेंजर भी एक फ्लोर लेगा ना तब भी 2-3 फ्लोर खाली रह जाएंगे। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई मजा आएगा, अब तो साथ में पार्टी करेंगे और साथ में बुलेट ट्रेन भी निकलेगी। एक मिनट, नो 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 नो, अरे यार अवेंजर्स को गिफ्ट देने के चक्कर में, सरप्राइज देने के चक्कर में सिंचन पिंचन का एग्जाम, अबे सिंचन पिंचन चौब, अवेंजर्स तुम लोग भाई अपने घर का उद्घाटन करो और यहाँ पे मजे करो, तब तक घर घूमते हो मैं वापस आता हूँ, मुझे सिंचन पिंचन चौब को स्कूल छोड़ना है। अजी वापस छोड़िए ना पिंकी भैया। अरे तुम्हारा जरूरी एग्जाम है, जल्दी चलो भाई फेल हो जाओगे नहीं तो। गाइज यार क्या करें, एक काम सुधारते हैं दूसरा बिगड़ जाता है। खैर जल्दी जाता हूँ, मेरा वाला गैराज कहाँ पर है? वो नई कार भी तो थी, अरे वो रही पीछे। अब भी तो गाइस मेरे घर के पास अवेंजर्स का घर भी आ गया है, मज़ा ही आ जाएगा। और इस बार हमने सेफ्टी मेजरमेंट भी रखा है, तो कोई डर भी नहीं होगा कि ट्रेन हमारे घर में आके घुस जाए या फिर घर उड़ा के ले जाए। अरे बच्चे मेरा क्या, ओ भाई साहब देखिए बुलेट ट्रेन अभी बराबर में से निकली है, मुझे भी पुलिस स्टेशन छोड़ दियो बीच में। हाँ ठीक है सर, छोड़ देंगे। अरे चले चले जल्दी चले। हाँ ऑलराइट दोस्तों, अभी हमें पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन छोड़ना है। वैसे बाय द वे थैंक यू सो मच यार पुलिस ऑफिसर, आपने हमारी काफ़ी मदद कर दी अवेंजर्स को सरप्राइज दिलवाने में। अरे ये तो मेरा फर्ज था, अवेंजर्स ने इतना कुछ किया उनको सरप्राइज देना तो बनता ही है। ये तो सही कहा आपने। खैर दोस्तों मैं जल्दी से सिंचन पिंचन चौक को छोड़ के आता हूं भाई इनके स्कूल, उसके बाद मैं आपको भी अवेंजर्स का घर दिखाऊंगा, उसमें मैंने कुछ खतरनाक फीचर्स लगवाए, वो भाई एकदम पत्थर की तरह सॉलिड घर बनवाया मैंने, कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाए उस घर पे आंच नहीं आने वाली, भूकंप आ जाए घर पे आंच नहीं आने वाली। अरे यार ये फ्रैंकलिन हमें घर की चाबी तो दे के नहीं गया। अरे हल्क तो बोलता है जाल तोड़ देते हैं, उसने बोला था ये जाल इतना ताकतवर है कि भाई कोई बुलेट ट्रेन भी अगर इसमें आके घुस गई ना वो भी घर के अंदर नहीं घुस पाएगी, हमें अब तो इसके ऊपर से ही चढ़ के जाना पड़ेगा, यही सही रहेगा। एक मिनट, ये बुलेट ट्रेन अपने ट्रैक से क्यों उतर गई है? अरे बाप रे हल्क को डर लग रहा है। एक मिनट अवेंजर साइड हो जाओ भाई, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो हमारे घर में घुस गया। नहीं ओ भाई साहब ये क्या हो गया? नहीं ये नहीं हो सकता। अरे कसम ये क्या, अरे ये तो हमारे घर में घुस गई। हमारे सिर्फ घर में नहीं घुसी ये बुलेट ट्रेन, तो यहाँ पर फ्रैंकलिन घर में घुसने की कोशिश कर रही है। एक मिनट अभी इसका ट्रैक बदल गया, कहाँ जा रही है भाई ये? ओ भाई साहब ये बुलेट ट्रेन का ड्राइवर पागल है क्या? भाई साहब गाइस बुलेट ट्रेन तो ट्रैक से कहीं और ही पहुंच गई है भाई। नहीं ये क्या हो गया? अरे ये जाल भी आगे नहीं जाने दे रहा। ओ भाई साहब ये क्या, नहीं मेरा घर। अरे अभी तो मैं घर में घुसा भी नहीं था, मैंने तो घर देखा भी नहीं कैसा बना अंदर से, ये क्या हो गया? अवेंजर्स हमें घर रोकना पड़ेगा जल्दी से, हमें बुलेट ट्रेन को रोकना पड़ेगा। एक मिनट ये किसकी गाड़ी है? ये तो भाई सुपर फास्ट गाड़ी लगती है मुझे, जल्दी बैठो। उड़ी कुसुम बैठ रहा हूँ मैं, हल्क भी आ रहा है। अरे हल्क उस घर के बिना मर जाएगा, हल्क का घर वापस कर दो हल्क। नहीं ये क्या हो गया, हमारे साथ इतना बैड लक कैसे हो गया? ओ नो दोस्तों बेचारा फ्रैंकलिन, उसने इतने प्यार से यहाँ पे हमें घर दिया था, वो तो सैड ही हो जाएगा। फ्रैंकलिन के पता लगने से पहले हमें इस घर को वापस लेना ही पड़ेगा, वरना फ्रैंकलिन का दिल टूट जाएगा लिटरली में। बिल्कुल सही कहा। बुलेट ट्रेन के ड्राइवर कार रोक भाई, अरे कार नहीं यार ड्राइवर भाई बुलेट ट्रेन रोक। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी से कमेंट में स्टॉप लिखिए, क्या पता यार ये ड्राइवर आप सभी की बात सुन के भाई अपनी बुलेट ट्रेन को रोक दे। ये बुलेट ट्रेन ट्रैक पे से उतर कैसे गई भाई? लगता है गाइस फ्रैंकलिन का घर भी कुछ इसी तरह से जिस रात फ्रैंकलिन सो रहा था। एक मिनट थोर कहां पर गया? स्पाइडरमैन कहां पर गया? लगता है गाइस बुलेट ट्रेन के टक्कर में वजह से वो लोग गिर गए नीचे। अरे बाप रे हल्क भी नीचे जा रहा है इस बुलेट ट्रेन के, अब हल्क मर जाएगा। लगता है हल्क का घर हल्क के साथ ही ऊपर के वाले के पास जाएगा। नहीं हल्क ऐसा मत करियो, मैं इस बुलेट ट्रेन की बच्ची को रोक लूंगा। अरे बाप रे टोनी मार दिया तूने तो। नहीं अरे बाप रे यार ये बुलेट ट्रेन ने क्या कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी उठ, यहाँ पर सारे अवेंजर्स गायब हो चुके हैं, सिर्फ तू और मैं ही बचे हैं। गाइस ये क्या हो गया भाई, मैं फ्रैंकलिन को क्या जवाब दूंगा? ओ नो ये बुलेट ट्रेन रुक जा भाई, ये क्या हो गया? स्पाइडरमैन जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा, बाकी के अवेंजर्स कहाँ पर हैं? अरे बाप रे ये क्या हो रहा है गाइस, बुलेट ट्रेन के कुछ डब्बे भी यहाँ पर पूरी तरह से क्रैश हो गए, पर ये बुलेट ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई, ऊपर से अब तो ये ट्रैक पे वापस आ गई है, ये पता नहीं कहाँ जाएगी और किस किस के घर को उड़ाएगी। ओके यहाँ पर गाइस मेरे पास एक चांस है, मैं यहाँ से बुलेट ट्रेन पे कूद सकता हूँ। 1-2 अरे कूदा नहीं, अरे बाप रे मैं कूदा क्या बुलेट ट्रेन पे? नहीं भाई ये तो भगे चली जा रही है। अरे रुक जा यार मेरा घर कहाँ लेके जा रही है? उठी कसम इस घर, अरे मार दिया दबा दिया मुझे। नहीं ये बुलेट ट्रेन है कि शैतान, मैं गाइस इस बुलेट ट्रेन के ड्राइवर को ही शूट कर डालूंगा लिटरली मैं भाई, छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट में जल्दी जूम करना पड़ेगा। अरे यार ये तो आगे निकल गया, ड्राइवर को कैसे शूट करूँ? एक मिनट वो कौन है हल्क? ओ नो
लगता है गाइस हल्क ट्रेन से टकराकर बेहोश हो गया है और वहीं पर रह गया है। ओह नो 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 नो, ये क्या हो गया? हल्क, हल्क मेरे भाई, ये क्या गाइस? लगता है मैं तो घर के साथ साथ अवेंजर्स को भी खो दूंगा। चलो भाई फाइनली, बड़ी मुश्किल से भाई टीचर मारा है सिंचन पिंचन चॉप को भाई, क्लासरूम में लेके गया है, बोल रहा था इतनी लेट आए एग्जाम नहीं होगा। खैर अब मैंने उनको तो छोड़ दिया है, अब उम्मीद करते हैं भाई अवेंजर्स अपने नए घर को खुद पसंद कर रहे होंगे। एक मिनट, व्हाट? ओह नो यार, अवेंजर्स के घर की चाबी तो मेरे कार में रह गई। अरे यार मैं भी कितना पागल हूँ, वो बेचारे तो बाहर वेट कर रहे होंगे। मैंने जाल भी ऐसा बनवाया कि भाई चाकर भी वो जाल को तोड़ नहीं सकते, बट वो जाल के ऊपर चढ़ के तो घर में घुस सकते हैं। खैर इतने तो समझदार होंगे ही वो, और वैसे भी चलो अब तो घर जा ही रहा हूँ। वैसे गाइज आपको क्या लगता है, अवेंजर्स को घर पसंद आया होगा उनका या नहीं? कॉमेंट में यस या फिर नो लिखिए, जल्दी चलता हूँ। ऑलराइट हम आ ही गए। एक मिनट, ये खाली जाल क्या कर रहे हैं यहाँ पर अवेंजर्स? अरे अवेंजर्स तो यहाँ है नहीं। एक मिनट, ये तो मेरा घर है भाई। अवेंजर्स का घर कहाँ पर गया? ओ भाई साहब ये तो मेरा ही घर है अवेंजर्स। अरे हेलो, अरे डोर खोलो भाई, ऐसा तो नहीं है वो लोग मेरे घर पे रुक गए हो? लेकिन एक मिनट, मैंने सिर्फ मेरे घर के साइड में खाली जाल देखा, अवेंजर्स का घर कहाँ है? इस साइड तो नहीं है अवेंजर्स। अरे यार नहीं, यहाँ तो खाली ग्रास है और भाई नॉर्मली खेत है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है लिटरली में। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा ये अवेंजर्स कहाँ पर चले गए, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जल्दी से लिखिए। और ये अवेंजर्स का घर कहाँ गया? यहीं तो था आई थिंक, मुझे उधर जाके ध्यान से देखना पड़ेगा, वैसे इतना बड़ा घर है दिख जाना चाहिए। ओ भाई सब ये क्या, यहाँ पर जो जाल सेफ्टी के लिए मैंने लगाए थे वो तो टूटे पड़े हैं बीच में से। ओ भाई सब, एक मिनट, और यहाँ घर, घर कहाँ पर गया? गाइस एग्जैक्टली यहीं पर तो अवेंजर्स का घर था। ओ माई गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से ट्रेन मेरे घर में टकरा गई थी अवेंजर्स के घर में भी टकरा गए हो? अगर ऐसा होता तो मेरा घर भी तो उड़ता ना साथ में, ये हुआ क्या है? मुझे जल्दी से देखना पड़ेगा। गाइस अगर आपको पता है कि अवेंजर्स कहाँ पर हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे जल्दी से। और अवेंजर्स के घर को क्या हुआ अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइए, मैं तो बहुत चिंता में आ रहा हूँ यार, क्या करूँ? मैं पूरी स्पीड में यार जल्द से जल्द रेल के ट्रैक से होता हुआ जाता हूँ, क्या पता मुझे आसपास अवेंजर्स दिख जाएं। वो कौन है? अरे उन्होंने गलती से भाई किसी को ठोक दिया मैंने, अरे मार दिया। एक मिनट, टोनी, ये तो टोनी की आवाज़ थी। ओ भाई साहब टोनी, टोनी तो ठीक है, टोनी क्या हो गया भाई? ओ नो, लगता है मैं टोनी पे ही भाई गाड़ी चढ़ा दिया मुश्किल। ओ नो 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 टोनी। और ये एक मिनट, ये टोनी बॉम्ब के पास क्या कर रहा था, इतना बड़ा बॉम्ब भाई साहब? एक मिनट, ये तो भाई उसी टाइप का बॉम्ब है जिससे मैंने अवेंजर्स के पुराने वाले घर मतलब स्टार्क मैंसन को बूम किया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे भाई टोनी तू ठीक है, क्या हो गया तेरे को? अरे भाई मैं मर क्यों नहीं जाता है, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे टोनी उठना भाई, फ्रैंकलिन मैं तुझे किस मुंह से बताऊं भाई, फ्रैंकलिन जो तेरे घर के साथ हुआ था उस रात वो हमारे घर के हमारी आंखों के सामने हो गया। सारे अवेंजर चले गए, डॉक्टर स्ट्रेंज का भी कुछ पता नहीं है भाई, हल्क थॉर और स्पाइडरमैन तो भाई बेहोश हो गए और वो बुलेट ट्रेन के ऊपर ही पड़े हैं। पता नहीं वो बुलेट ट्रेन कैसे ट्रैक से नीचे उतर गई और उसने सीधा मेरे घर में टक्कर मारी और घर को ले गई, मैंने तो घर अंदर से देखा भी नहीं था भाई। मैं मरने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीच में तूने रोक लिया, शुक्र है गाइस मैं टाइम पे आ गया, वरना टोनी तो खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता। फ्रैंकलिन अब हम क्या करें, कैसे अपना घर वापस ले बताना? टोनी तू चिंता मत कर, जिस तरह से हमें ने, एक मिनट वो क्या चीज़ है टोनी? अरे वो तो चॉपर है फ्रैंकलिन, वैसे काम कर सकते हैं हम, किसी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से हम उस ट्रेन के ऊपर चढ़ सकते हैं, उसके बाद हम हल्क और थोर को होश में लाएंगे और भाई घर को किसी तरह से ट्रेन से नीचे उतारने की कोशिश करेंगे, क्या पता घर थोड़ा मोड़ा अटका पड़ा। फ्रैंकलिन देख 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 देख, ये रही ट्रेन। अरे ओ भाई बुलेट ट्रेन वाले भैया, अरे यार रोक ले इसको। अरे नहीं टोनी ऐसा मत कर भाई, ट्रेन के आगे जाएगा तो भाई तेरे को कुचल के रख देगी वो। फ्रैंकलिन मैं मर जाऊंगा भाई, लेकिन किसी भी हालत में अवेंजर्स को बचा के रहूंगा और अपना घर भी। देखना भाई थॉर और साथ साथ में स्पाइडरमैन तो है भी नहीं यहाँ पे, हल्क तो भाई बेहोश पड़े हैं वहाँ पे। ओ माय गॉड ये क्या हो गया यार, मैं थोड़ी सी देर के लिए भाई सिंचन पिंचन चौक को स्कूल ड्रॉप क्या करने गए, यहाँ से क्या हो गया? अरे बाप रे टोनी तू चिंता मत कर, हम इस बुलेट ट्रेन को रोक के रहेंगे। एक मिनट कैसे, एक मिनट भाई साहब यहाँ तो चॉपर है। टोनी हम इस चॉपर में बैठते हैं और भाई बुलेट ट्रेन के ऊपर कूदने की कोशिश करते हैं। चल चल भाई जल्दी कर, मैं तो बोलता हूँ इस चॉपर को भाई सीधा बुलेट ट्रेन के ऊपर नहीं हमारे घर के ऊपर लैंड करा दे, फिर वहाँ से हम थॉर को और हल्क को आराम से इस चॉपर में नीचे लैंड करवा देंगे, उसके बाद हम घर को भी नीचे उतार लेंगे। एक बार ये बुलेट ट्रेन किया तो स्पीड कम हो जाए या फिर बुलेट ट्रेन रुक जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये बुलेट ट्रेन रुकने वाली है क्योंकि गाइस लास्ट टाइम भी कोशिश की थी, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस बुलेट ट्रेन का ड्राइवर कौन है भाई, पिछली बार तो वो रेडल के बच्चे ने मेरे घर को किडनैप कर लिया था। मुझे नहीं लगता रेडल का है, मुझे रेडल की कोई आवाज नहीं सुनाई थी ना ही रेडल दिखा ड्राइवर वाले इंजन में। व्हाट ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार
एक तो ये चॉपर मेरे को उड़ाते नहीं आ रहा है, बट मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। अरे बाप रे, अबे फ्रैंकलिन तू इस चॉपर को लैंड भी करा पाएगा यार? अरे टोनी भाई, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, बाकी गारंटी नहीं दे सकता। अरे बाप रे, सालों बाद चॉपर उड़ा रहा हूँ भी पुलिस वाला। कम ऑन फ्रैंकलिन, मेरे हिसाब से अभी इस चॉपर को हम लैंड तो नहीं करा पाएंगे, हमें कूदना होगा। ठीक है, मैं कूद गया। अरे अरे ओ माय गॉड, अरे बचा, अरे बाप रे, बड़ी जोर से लग गई भाई। गाइस एक मिनट, टोनी, अरे फ्रैंकलिन मैं तो नीचे रह गया भाई। ओह नो, टोनी तो गाइस लैंड नहीं कर पाया बुलेट ट्रेन पर मैंने कर लिया। मुझे जल्द से जल्द भाई अवेंजर्स को नीचे उतारना पड़ेगा। अवेंजर्स मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे घर को हम लोग बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो। भाई साहब ये ट्रेन भाई अवेंजर्स के घर में घुस भी कैसे गई? अरे 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 बाप रे, इस ट्रेन के ड्राइवर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब उसकी गलती है भाई। थॉर हल्क उठाओ। अरे यार ये ट्रेन इतनी तेज चल रही है कि मैं पूरी स्पीड में भाग रहा हूँ तब भी भाई ट्रेन पर चल नहीं पा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले गाइस मुझे थॉर और हल्क को सेफ्टी में लाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं कहीं कच्चे रास्ते पर थॉर और हल्क को नीचे गिरा दूं तो सेफ रहेगा भाई, फिर ये बच जाएंगे। ऑलराइट, गए। ओ भाई सब गए, शुक्र है। चलो कम से कम कच्चा रास्ता था तो उनको जोर से नहीं लगी होगी, थोड़ी बहुत ही चोट लगी होगी। ऑलराइट दोस्तों, तो उन्हीं ने कहा था कि अगर मैं इस घर के सबसे कमजोर हिस्से पे शूट करने की कोशिश करूं तो इस घर को हम नीचे गिरा सकते हैं और उसके बाद हम बच सकते हैं। अरे यार एक तो ये बुलेट ट्रेन इतनी तेज चल रही है, मैं खड़ा नहीं होते पा रहा हूं। ओके, सबसे कमजोर हिस्सा तो यहीं का है जहां पर ये ट्रेन घुसी पड़ी है भाई इस घर में। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये बुलेट ट्रेन तो भाई साहब मेरे को उल्टा सीधा कर रही है, इधर से उधर इतनी तेज हवा चल रही है, ये हवा मेरे को बार बार गिराए दे रही है। मैं इस घर पे सही से शूट तक नहीं कर पा रहा हूँ, उसको नीचे गिराऊं कैसे मैं? अरे अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, अरे ये कौन बेवकूफ है जो मेरी बुलेट ट्रेन पे गोलियां चला रहा है? ओए फ्रैंकलिन के बच्चे हट जा, मेरी बुलेट ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं, मैं अपनी बुलेट ट्रेन को रिपेयर कराऊंगा लेकिन उससे पहले मुझे इस ट्रेन को रोकनी होगी। व्हाट? ओ भाई साहब ब्लैक फ्रैंकलिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कैसी खटारा बुलेट ट्रेन है भाई, इसने हमारे घर को वापस से पकड़ लिया। अबे निकल, मैं क्या करूं, तुम्हारा घर बुलेट ट्रेन के पास कर ही क्या रहा था, इसमें तुम्हारी गलती है नमूनो। मेरी बुलेट ट्रेन को ही बचाओ, अरे इसके ब्रेक फेल हो गए। कोई बात नहीं है अवेंजर्स, मैं तुम्हारा घर तो बर्बाद कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बुलेट ट्रेन को कुछ हुआ तो वो छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, मार टोनी स्टार्क। ये किसकी आवाज थी? ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन की आवाज थी। ब्लैक फ्रैंकलिन, मेरा घर मुझे वापस कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस ये ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे ने क्या है, जो भी किया है वो बचेगा नहीं लिटरली। मैं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन कहां पर गया? फ्रैंकलिन तो ट्रेन पर ही था। ओह नो, मेरे फ्रैंकलिन को कुछ हो ना गया हो। फ्रैंकलिन, गाइस फ्रैंकलिन कहां गया? फ्रैंकलिन, ओह नो, वो कौन है? अरे ये तो फ्रैंकलिन ही है। फ्रैंकलिन, ओ भाई फ्रैंकलिन उठ जाए यार। फ्रैंकलिन, ओ नो, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्लैक फ्रैंकलिन ने फ्रैंकलिन पर अटैक कर दिया पीछे से और उसको मार दिया? फ्रैंकलिन मैं तेरे बिना क्या करूंगा। गाइस प्लीज फ्रैंकलिन को बोलिए ना उठे। फ्रैंकलिन उठ जा। गाइस प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखो ना। फ्रैंकलिन आई लव यू मेरे भाई। अगर आप भी गाइस प्यार करते हैं फ्रैंकलिन से तो बोलिए आई लव यू उसको, बोलिए ना आई लव यू फ्रैंकलिन। उठता नहीं है यार ये। फ्रैंकलिन उठ जा भाई, मुझे मेरा घर बाद में चाहिए, पहले तू चाहिए यार। अरे बाप रे टोरी, क्या हो गया? सब ठीक तो है? ये तो फ्रैंकलिन है, ये कब वापस आया? डॉक्टर स्ट्रेन देखना भाई, ये फ्रैंकलिन कुछ बोल नहीं रहा है, इसकी सांसें भी नहीं चल रही है। लगता है ब्लैक फ्रैंकलिन ने फ्रैंकलिन को मार दिया। अरे रुक, मैं इसको उठाने कुछ करता हूँ। अब रखा डाबरा, मैं इसकी सांसें चलाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज फ्रैंकलिन वापस आ जा हमारे पास। अरे टोनी तू चिंता मत कर, फ्रैंकलिन बस बेहोश हुआ था, वो मरा नहीं है, वो ठीक है देख। अरे एक सेकेंड के लिए लगा भाई मैं मर ही जाऊंगा। ओह माय गॉड टोनी, अरे भाई तू रो क्यों रहा है भाई? मैं जिंदा हूँ। हेलो टोनी, एक मिनट यार, तुझे पता है ब्लैक फ्रैंकलिन की वो ब्लैक ट्रेन है? मैंने देख लिया, ब्लड ट्रेन उसी की है। उसने बोला कि उसकी ब्लड ट्रेन के किसी तरह से अब ब्रेक फेल हो गए हैं, इसलिए वो ट्रेन रुक नहीं सकती। और उसने ये भी बोला कि भाई अब कुछ भी हो जाए वो हमारा घर हमें वापस नहीं देगा। क्या? और हल्क और थॉर का क्या हुआ? हल्क और थॉर को तो मैंने नीचे गिरा दिया था कच्चे रास्ते पर। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन भाई हम बुलेट ट्रेन का क्या करें, उसको कैसे रोकें? मेरे पास एक आइडिया है। पुरानी वाली जो बुलेट ट्रेन थी जिसने भाई मेरे घर में घुसकर नाश किया था, उस बुलेट ट्रेन को याद है टोनी, हमने पिछली बार ब्लास्ट कर दिया था, हम उसका इस्तेमाल करेंगे इस वाली बुलेट ट्रेन को रोकने के लिए। उसके लिए पहले ये पता करना होगा ये वाली बुलेट ट्रेन कहाँ पहुंची। अरे देखिए जरूरदार, ये बुलेट ट्रेन लॉस सैंटोस से बस बाहर निकलने जा रही है। माना गया है बुलेट ट्रेन ने अवेंजर्स के नए घर में हमला किया और उसको अपने साथ ले लिया, और इसका मालिक ब्लैक फ्रैंकलिन जो कि चोर है, जिसने बुलेट ट्रेन हमारी सरकार से चुरा लिया है। कोई इस बुलेट ट्रेन को रोको। देखा गाइस,
उस ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे ने बुलेट ट्रेन को चुराया और उसको खराब और कर दिया भाई। अवेंजर्स बुलेट ट्रेन अभी लॉस सैंटोस से बाहर निकलने वाली है, तो हमारी जो बेकार वाली ट्रेन थी जिसने भाई मेरे घर का पहले बैंड बजा दिया था, हम उस ट्रेन को रेडी करेंगे इस वाली ट्रेन को रोकने के लिए। क्योंकि गाइस पिछली बार आपको याद होगा हमने एक बुलेट ट्रेन से दूसरी बुलेट ट्रेन को रोका था, तो इस बार हम दूसरी बुलेट ट्रेन से तीसरी बुलेट ट्रेन को रोकेंगे। देखिए गाइस ये वाली बुलेट ट्रेन थी जो मेरे घर को भाई गंदी तरह से घुस के उसके अंदर भाई ले गई थी उड़ा करके, और ये वाली बुलेट ट्रेन रेडल की थी, और इस वाली बुलेट ट्रेन भाई उस ब्लैक फ्रैंकलिन की है जो कि सच में उसकी है ही नहीं, उसने तो सरकार से उस बुलेट ट्रेन को छीना है और ऊपर से गाइस उसको खराब और कर दिया, जिस वजह से अवेंजर्स का नया नवेला घर जिसमें वो घुस भी नहीं पाए थे ठीक से उसी को उड़ा कर ले गई। खैर अब मैंने यहाँ पे इतने खतरनाक बॉम्ब लगा दिए हैं कि जैसे ही लॉस सैंटोस से बाहर बुलेट ट्रेन निकलेगी वो सीधा भाई इस वाले बुलेट ट्रेन में आके बुरी तरह से क्रैश करेगी, और भाई इन बॉम्ब्स के साथ मिलके वो बुलेट ट्रेन का जो इंजन है खराब हो जाएगा और बुलेट ट्रेन को रोकना पड़ेगा फ्रैंकलिन। लेकिन भाई हमारे घर का क्या होगा उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने उस घर को इस तरह से बिल्ड कराया भाई कि आंधी तूफान या फिर भूकंप भी आ जाए वो घर का बाल बांका ना हो पाए, क्योंकि अगर घर टूटना होता तो ट्रेन के टकराने से टूट जाता। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, घर तो मजबूत है, लेकिन क्या ये वाली बुलेट ट्रेन उस वाली बुलेट ट्रेन को रोक पाएगी? अरे बिल्कुल रोकेगी, पिछली वाली ने तो रोक दिया था ना इसको। ठीक है मैं आबरा का डाबरा करके यहाँ पर और भी खतरनाक तरीके के बड़े बड़े टैंकर लगा देता हूँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है एक बुलेट ट्रेन दूसरी को रोक पाए। अरे वाह डॉक्टर स्ट्रेंज ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई, अब तो बुलेट ट्रेन क्या 100 बुलेट ट्रेन भी हुई ना वो भी रुक के रहेंगी। यहाँ पर गाइस हमने कंक्रीट और वही मसाले से माल से भरे हुए बड़े बड़े टैंकर्स भी लगा दिए हैं, और इनकी संख्या आराम से 50 से 60 में, और साथ साथ में एक खराब बुलेट ट्रेन भी पड़ी है विद भाई खतरनाक एक्सप्लोसिव्स के साथ। फ्रैंकलिन जरा पता कर वो ट्रेन कब आ रही है। एक मिनट टोनी, ओ भाई साहब ये ट्रेन तो लॉस सैंटोस के अंदर से आने वाली थी ना, ये तो अब लॉस सैंटोस के अंदर जा रही है। अबे बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी फास्ट होती है, शायद जितने हम यहाँ पे बॉम्ब बॉम सेट कर रहे थे एक चक्कर मार भी आई। नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, अगर ऐसा है तो बुलेट ट्रेन पीछे से दूसरी बुलेट ट्रेन को हिट करेगी। अरे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, टकराएगी तो दूसरी बुलेट ट्रेन से ही ना। हाँ वो तो है। अरे बापरे हट जाओ अवेंजर्स, अपनी ये खटारा बुलेट ट्रेन हटा लो, मेरी बुलेट ट्रेन के ब्रेक खराब है, आज ये नहीं रुकेगी। अरे रुकेगी ऐसा कैसे नहीं रुकेगी, हमारी वाले वाली बुलेट ट्रेन रोक के रहेगी। ओके दोस्तों सही टाइम पे भाई मुझे बॉम्ब, ओह नो ये क्या, व्हाट, ओ भाई साहब ये वाली बुलेट ट्रेन तो दूसरी बुलेट ट्रेन को अपने साथ लेके जा रही है, ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, अरे यार गाइस मुझे सही टाइम पे यहाँ पर बॉम्ब दबा बॉम्ब का एक्सप्लोजन करना पड़ेगा। नहीं ओ भाई साहब इतने बड़े बड़े टैंकर्स जो कि भाई माल मसाले से और भाई कंक्रीट से भरे पड़े हैं उनको भी ये बुलेट ट्रेन उड़ाते ले जा रही है, मैं छोड़ूंगा इस ब्लैक फ्रैंकलिन को। अरे भाई किस किस्म की बुलेट ट्रेन इसने किडनैप कर ली, ये तो भाई साहब बॉम्ब्स भी फट रहे हैं तब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरे रुक जा। नहीं गाइज यहाँ पर हमारा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया भाई, और अभी ये बुलेट ट्रेन भाई अवेंजर्स के घर को लेके सीधा लॉस सैंटोस में घुस रही है, पता नहीं कितना डिस्ट्रक्शन करेगी यार। देखिए यहाँ पर कितने सारे टैंकर ट्रक्स और एक बुलेट ट्रेन, वो भी इसको नहीं रोक पाई, ये क्या हो गया? एक मिनट सामने कौन है वो? अरे मैं तो मर जाऊंगा भाई जी के क्या करूँगा फ्रैंकलिन वो बुलेट ट्रेन नहीं रुकेगी, मेरा घर तो गया। एक मिनट टोनी लावा गॉड आइडिया, हम लावा गॉड से मदद मांगते हैं लेकिन बदले में उसे क्या देंगे? अरे तू चिंता मत करना, हम उसको बदले में बाद में जो देना होगा देते रहेंगे। लावा गॉड, ओ भाई लावा गॉड मेरी बात सुन, अरे यार अगर तू इस बुलेट ट्रेन को रोकेगा तो बदले में बाद में तू जो चाहेगा वो हम तेरे को देंगे। सच कहा, मुझे बदले में आधी दुनिया चाहिए देगा। हाँ हाँ देंगे देंगे, लेकिन पहले इस बुलेट ट्रेन को रोक तो सही। गाइस बाद में देख लेंगे इसकी शर्त जो भी है, बट फिलहाल तो लावा गॉड ही है जो उस बुलेट ट्रेन को सिर्फ रोक नहीं भाई स्मैश कर सकता है। ठीक है मेरे लिए तो मच्छर को मसलने जैसा काम है ये, इस बुलेट ट्रेन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन भाई ध्यान रखना अवेंजर्स का घर नहीं टूट पाए, नहीं तो कोई डील नहीं होगी। चिंता मत करो, और घर पर आंच भी नहीं आएगी और बुलेट ट्रेन की बैंड भी बजाएगी, ये ले मैं अपनी आंख से इस बुलेट ट्रेन को ही पिघला दूंगा। अरे मेरी बुलेट ट्रेन को कोई गॉड भी नहीं रोक सकता। क्या मुझे चैलेंज कर रहा है इंसान? ले मैं तुझे जला दूंगा। अरे मम्मी अरे मुझे क्यों जला दिया? ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, ये बुलेट ट्रेन रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? अरे ये बुलेट ट्रेन रुकती क्यों नहीं यार, ये बुलेट ट्रेन है कि पत्थर? अरे ये क्या हो रहा है, मेरे लावा से भी ये रुकी नहीं, बहुत हो गया, अब मैं इस बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर ही खड़ा हो जाता हूँ। वाह ये बढ़िया है भाई, अब तो बुलेट ट्रेन तो क्या उसके पापा को भी रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि लावा गॉड भाई बिल्ट ट्रेन में बुलेट ट्रेन के ट्रैक पे खड़ा हो गया और ये हुआ खतरनाक। व्हाट ये क्या? नहीं मार दिया, ये बुलेट ट्रेन ने मेरा पैर तोड़ दिया। आ पापा बहुत जोर से लग गई, मुझे अपनी दुनिया वापस जाना होगा। नहीं भाई लावा गॉड तू हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। भाई साहब
लावा गॉड का पैर तोड़ दिया बुलेट ट्रेन ने, वो तभी भी नहीं रुकी। अरे भैया, अगर लावा गॉड नहीं रोक पाया बुलेट ट्रेन को तो फिर कौन रोकेगा? अरे भाई फ्रैंकलिन भाई, अब कोई फायदा नहीं है फ्रैंकलिन, अब सब बर्बाद हो गया। ओ नो 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 टोनी, प्लीज ऐसे हार मत मान मेरे भाई। तूने देखा, हल्क और साथ साथ में थॉर ट्रेन के पास फिर से पड़े थे। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब उस ब्लैक फ्रैंकलिन ने हल्क और थॉर और स्पाइडरमैन इन सबको किडनैप कर रखा है भाई। अब हम क्या करें डॉक्टर स्ट्रेंज? वो तो ऊपर वाला भी इस ट्रेन को नहीं रोक पाया, हम क्या कर लेंगे? अरे ऐसा मत बोलो, कोई तो तरीका होगा इस ट्रेन को रोकने का। कोई तरीका नहीं है फ्रैंकलिन, मैं तो भाई अब मरने जा रहा हूँ। प्लीज मेरे को मत रोना, जाओ बस, मेरा आयरन मैन का सूट मुझे भेज दो, मैं जा रहा हूँ। अरे टोनी तू पागल हो गया? मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं इस बुलेट ट्रेन को रोक के रहूंगा और अवेंजर्स को भी बचा के लाऊंगा, और साथ साथ में भाई मैं तेरा घर भी बचाऊंगा। नहीं फ्रैंकलिन, अब कोई फायदा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना मेरा स्टार्क मैंसन और ना ही अवेंजर्स। जाओ बस जल्दी, मुझे आयरन मैन का सूट दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है। अरे रुक तो टोनी भाई, सुन तो मेरी बात। अरे मेरे को एक काम कर, अपना आयरन का सूट ही दे दे, मैं इसी से बुलेट ट्रेन को रोक लूंगा। कोई फायदा नहीं है फ्रैंकलिन, मैंने पहले ही कोशिश करके देख ली, मैं जा रहा हूँ समुद्र में डूबने, मरने जा रहा हूँ मैं, मुझे मत रोकना। नहीं टोनी, ओह माय गॉड, अरे बाप रे, मैं भी मरूंगा, मेरे बस की भी कुछ नहीं है। अरे गाइस, अवेंजर्स ने तो भाई हार मान ली है, ऐसे हुआ तो हम तो कभी भी यहाँ पर अवेंजर्स का घर नहीं बचा पाएंगे, और ना ही बाकी अवेंजर्स को। ये ब्लैक फ्रैंकलिन तो सबको बर्बाद कर देगा उस ब्लिटर को चला चलाते। डॉक्टर स्ट्रेंज तू हार नहीं मान सकता। नहीं फ्रैंकलिन, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे गुस्सा मत दिला, मैं यहाँ पर तेरे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मेरा साथ देना होगा। पता कोई तो तरीका होगा। अरे तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें कम से कम दो लोगों की और जरूरत है, दो लोगों से कुछ नहीं होगा। क्या? मैं समझा नहीं। अरे माना गया है कि दुनिया में एक ऐसा खतरनाक बॉम्ब है जो यहाँ पर किसी भी चीज को ब्लास्ट कर सकता है, वो इवन गॉड को भी मार सकता है, लेकिन उसके लिए चार लोगों की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए, और सामान भी नहीं है हमारे पास। चार लोगों की? गाइस बाकी के तीन अवेंजर, चारों अवेंजर्स तो हैं नहीं, मैं और डॉक्टर से, अरे सिंचन बिंचन भी तो हैं। चलो चलो चलो, मुझे सिंचन बिंचन के स्कूल चलना पड़ेगा, सिंचन बिंचन हमारी मदद करेंगे। लेकिन सामान कहाँ से लाएंगे बॉम्ब बनाने का? वो भी हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा बॉम्ब है जिससे उस बुलेट ट्रेन को रोका जा सकता है तो मैं हार नहीं मानूंगा। ऑलराइट गाइस, सिंचन बिंचन को मैंने ये वाले बिल्डिंग में तो ढूंढ लिया, दूसरी में ढूंढना रहेगा। एक मिनट, वो तो सिंचन बिंचन के टीचर है ना, अरे उनसे ही पूछना पड़ेगा। अरे टीचर जी, टीचर जी, सिंचन बिंचन चौप कहाँ पर है? मुझे अर्जेंटली उन्हें यहाँ से लेके जाना होगा। अरे लेकर कहाँ से जाएगा, वो तो यहाँ आए ही नहीं। क्या मतलब? अरे मैं खुद उन्हें स्कूल छोड़ के गया हूँ। अरे वो बेवकूफ बना गए मुझे भी, बोल रहे थे उनको वॉशरूम जाना है, एक ही टाइम पे तीनों चले गए। मैंने सोचा उनको दो नंबर लगी होगी, लेकिन वॉशरूम में कोई था ही नहीं, वो वॉशरूम की खिड़की से भाग गए कहीं। नहीं एक मिनट, सिंचन बिंचन के बच्चों ने बंक किया स्कूल, उनको तो छोड़ूंगा नहीं, वो पक्का गाइस घर ही गए होंगे। चलो थैंक यू सो मच टीचर बताने के लिए, चलो गाइस घर ही चलते हैं। सिंचन बिंचन को बाद में पीट लूंगा, बाद में सजा दे लूंगा, लेकिन पहले मुझे सिंचन बिंचन की मदद चाहिए। क्या हो गया, मिले क्या वो? अरे वो घर पर होंगे, वो स्कूल गए ही नहीं भाई, उनको भी पता नहीं क्या ही है। गाइस जल्दी चलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कर पिंचन, जल्दी जल्दी कर तो रहा हूँ। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं घर पर? पक्का खेल ही रहे होंगे। सिंचन पिंचन आज तुम बचोगे नहीं मेरे से, लेकिन पहले सबसे पहले मेरे को मदद चाहिए तुम्हारी। फिंकी भैया आइए, हमारी मदद कीजिए। व्हाट, ये क्या हो रहा है घर पर? अरे ये लोग, तुम लोग क्या कर? अरे भैया ये क्या है? फ्रेंकी भैया, हमने न्यूज पर सब देख लिया, किस तरह से अवेंजर्स का घर हमारे घर की तरह वो बुलेट ट्रेन उड़ा के ले गई। ओ भाई साहब, वाह भाई कलवे, और हमें ये भी पता था इसी बॉम्ब से यहाँ पर उस घर को रोका जा सकता है भाई, उस बुलेट ट्रेन को फाटा जा सकता है। अरे वाह, तुम तो कमाल के बच्चे हो, ये सब नॉलेज तुम्हें कहाँ से मिली? अरे डॉक्टर मिक्सेट से हमने मदद ली, उन्होंने हमें सारा सामान प्रोवाइड कराया मिलिट्री बेस से। वाह, अब ये बताओ इस बॉम्ब को बनने में कितना टाइम लगेगा? वाह भाई, सब कुछ तैयार है, बस इसको के जाके बुलेट ट्रेन के सामने रखना है भाई। हाँ, ये 99% काम करना चाहिए। अरे 99 नहीं भाई, इसको 100% काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बॉम्ब आज ब्लास्ट होके उस ट्रेन को नहीं रोका तो भाई हम हमेशा के लिए यार अवेंजर्स को खो देंगे। बिल्कुल, मैं भी मरी जाऊंगा, मेरा स्टॉक मेंशन नहीं रहा अवेंजर्स ने, मैं जी के क्या करूंगा? ये तो बड़ी दिक्कत है, फिर तो हमें बुलेट ट्रेन को रोकना होगा। ये तो है गाइस, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन है भाई, कुछ भी हो जाए। मैंने कभी सोचा नहीं था एक बुलेट ट्रेन दूसरी बुलेट ट्रेन से नहीं रुकेगी, बट लावा गॉड सकते नहीं रुकी भाई। खैर देखते हैं अब ये बॉम्ब क्या कर सकता है। वैसे भाई बॉम्ब इतना भारी है, आधा घंटा तो इसको भाई ट्रक पे रखने में लग गया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ टोनी ने भाई अभी अपनी जान ना ली हो। बस टोनी मेरे भाई थोड़ी देर और होल्ड कर ले यार, देख मैं तेरा घर तुझे दिला के रहूंगा वापस। इंचन चौप चलो,
इस बॉम्ब को भाई हम ट्रैक पे सेट कर देते हैं और वो ट्रेन कहीं से भी आए, चाहे लेफ्ट साइड से आए राइट साइड से, टकराना तो उसको बॉम्ब पर ही है। और इस बार भाई एग्जैक्ट सही टाइम पर बॉम्ब को मैं ब्लास्ट करूंगा जिससे कि ट्रेन का इंजन डैमेज हो। अरे फैंकी भैया आप चिंता मत कीजिए, ये बॉम्ब उस ट्रेन को ऐसा उड़ाएगा कि कभी चलने लायक नहीं बचेगी। हाँ ऑल राइट गाइस, उस इंजन में जो बोल रहे हैं उम्मीद करता हूँ सब सच ही हो। वो भाई वो जमीन क्यों हिल रही है, मुझे लगता है गाइस बुलेट ट्रेन आई रही है क्योंकि वो बुलेट ट्रेन अवेंजर्स का घर लेके चल रही है तो इतनी भारी हो चुकी है। ओ भाई साहब ये तो फिर से ट्रैक से नीचे उतर गई। अरे अरे बाप रे ये मेरी बुलेट ट्रेन क्या कर रही है। ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे में तो बचाऊंगा, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। इस यहाँ ये चोरी करता ना बुलेट ट्रेन पूरी तरह से बिगड़ती। भाई साहब अवेंजर्स भी ट्रेन पर ही हैं ऊपर, मुझे जल्दी से ब्लास्ट बटन दबाना पड़ेगा। फाइनली दबा दिया। अरे बाप रे क्या कर दिया, हम तो मर गए। उठी कसम ये क्या हो गया, अरे मर जाएंगे। उए, उए, और ये आग लग गई। ओ नो 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 अवेंजर्स, यार बुलेट ट्रेन रुकी है नहीं रुकी। अरे बाप रे ये क्या धमाका, ओ नो ट्रेन पर तो अवेंजर्स थे, कहीं वो मर तो नहीं गए भाई, ये क्या धमाका हो गया। मुझे पता है ये बुलेट ट्रेन रुकी तो नहीं होगी पर अवेंजर्स अवेंजर्स तो मेरा घर जरूर तबाह हो गया होगा। अरे बाप रे ये फ्रैंकलिन ने क्या कर दिया, मुझे जल्दी जाके देखना होगा। फ्रैंकलिन ये क्या कर दिया तूने भाई, कम से कम ख्याल तो रखता अवेंजर्स का, उनका क्या हो। ओ माय गॉड व्हाट, अरे बुलेट ट्रेन के डब्बे इधर उधर क्यों पड़े हैं और यहाँ पर मेरा घर कहाँ पर है भाई। ट्रेन के, अरे बाप रे वो तो मेरा घर है, अरे वाह वो तो हम अवेंजर्स का घर है। अवेंजर्स तुम लोग कहाँ पर हो, तुम लोग ठीक तो गाइस। एक मिनट ये रे, हल्क बच गया भाई साहब। लास्ट टाइम पे गाइस अगर मैं ब्लास्ट का बटन दबाया होता तो हम कभी भी अवेंजर्स से नहीं मिल पाते। व्हाट फ्रैंकलिन, अरे जिंजन चौक। अरे हाँ हमने बॉम्ब बनाया था वो जिससे कि ट्रेन को रोका जा सके, लेकिन वो ब्लैक फ्रैंकलिन आ गया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे टोनी तू चिंता मत कर, अपने राइट में देख एक बार, राइट में यहाँ तो मेरा घर है। अरे घर की तरफ नहीं भाई, घर की दूसरी तरफ देख, घर तो वैसे बच गया बट एक बार ब्लैक फ्रैंकलिन हाथों देख। मम्मी सॉरी मुझे माफ कर दो आज के बाद, अरे दूसरे की ट्रेन क्या, खुद की ट्रेन नहीं चलाऊंगा, पापा छोड़ दो मुझे। अरे वाह भाई मजा ही आ गया। गाइस अगर आप चाहते हैं हमारे घर का टूर लेना तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, और हाँ गाइस स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।